नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ पे डिस्कशन करेंगे। पिछले टॉपिक वाइज सीरीज में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पर डिस्कस किया था, जहां हमने देखा था कि एच जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ईजिली कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट से हम लोग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या चीज है, चलिए देखते हैं। देखिए, बायोट सेवर्ट लॉ हमें एक्सप्रेशन देता है कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। देखिए, किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से उस पर फोर्स भी लगेगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन है या फॉर्मूला है वो हमें बायोट सेवर्ट लॉ देता है। आप देखिए, ये हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और यहां से हम किसी डिस्टेंस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट पर एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसको बोलेंगे डीएल। अगर इस एलिमेंट की लेंथ एल है तो जो हम लोग इन्फिनाइटिसमली जो छोटा एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे उसका हम लोग लेंथ देंगे डीएल। ये देखिए, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसका लेंथ डीएल है और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, डीआई। ये जो एलिमेंट है ये इस पॉइंट से डीआर डिस्टेंस दूर है और ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो फिर ये डेरिवेशन के थ्रू हमें एक एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। आप इसकी वजह से एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन को आप एक डेरिवेशन पर पहुंचेंगे जो कि हमें एक एक्सप्रेशन देगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए और इस रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। आप अपने इंडेक्स फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखिए, इस डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को डिस्टेंस की डायरेक्शन में रखिए, तो जो आपका थंब बताएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। अब बायोट सेवर्ट लॉ है क्या, हमने ये देखा कि बायोट सेवर्ट लॉ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का हमें एक्सप्रेशन देता है। अब वो एक्सप्रेशन है क्या, चलिए देखते हैं अभी हम लोग। तो बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, करंट आई, जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, और साइन थीटा, जो थीटा एंगल यहां पर बन रहा है, थीटा एंगल, इस पर डिपेंड करता है। तो जब इन चारों फैक्टर्स को आप कंबाइन करते हैं तो एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है। वो एक्सप्रेशन क्या है कि डीबी प्रोपोर्शनल टू, इन चारों को हमने कंबाइन कर दिया, आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक है। के की वैल्यू अभी आगे हम लोग देखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक। डी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, के आईडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और एक बात कि जो करेंट एलिमेंट है आईडियल वो तो वैक्टर है, वैक्टर में डायरेक्शन होता है, तो करेंट एलिमेंट तो वैक्टर है, उसका डायरेक्शन क्या है, एलिमेंट के टेंजेंट, एलिमेंट जो है उसके टेंजेंट होता है, ठीक है। एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में होता है आइडियल। तो करंट एलिमेंट आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब जो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देखा के, उसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10^-7। क्यों, म्यू नॉट की वैल्यू आपने क्या देखा था, 4 पाई × 10^-7। तो जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी वैल्यू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये यूनिट जो है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसी एक्सप्रेशन से निकल कर आया है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हुई, टेस्ला, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और डीएल की मीटर, तो एक बार मीटर कैंसिल आउट हो गया तो ये टेस्ला मीटर ऊपर आ गया, और आई की एम्पियर, एम्पियर नीचे आ गया, तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है। यही यूनिट है के की, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये एक्सप्रेशन हमारा बायोट सेवर्ट लॉ है, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्मॉल एलिमेंट से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल सकते हैं। अच्छा, बायोट सेवर्ट लॉ केवल स्टेडी करंट के लिए ही है,
मतलब ऐसा ना हो कि करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, उसके लिए बायोट सावर्ट लॉ नहीं लगेगा। स्टेडी करंट के लिए ये है कि सेम करंट फ्लो करती रहनी चाहिए, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि म्यू नॉट अपन 4 पाई I डी एल क्रॉस आर अपन आर क्यूब। आर क्यूब आ गया, ऐसा क्यों? देखिए डी एल क्रॉस आर को आप क्या लिखेंगे, डी एल आर साइन थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट है और नीचे आर क्यूब है, तो एक बार आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फिर से वही फॉर्म आ गया कि म्यू नॉट अपन फोर पाई I डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई डी एल क्रॉस आर लिखेंगे आप, ठीक है। और बायोट सेवेट लॉ किसके एनालॉगस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके जेई के लिए। तो बायोट सेवेट लॉ एनालॉगस है कूलम्स लॉ के, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में चार्ज सोर्स होता है, चार्ज क्यू सोर्स होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में करंट एलिमेंट सोर्स होता है, ठीक है। अब आप देखिए, आपने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट डी एल के लिए मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी कैलकुलेट कर लिया। अब आप पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ड्यू टू होल कंडक्टर, तो आप क्या करिए, डी बी को इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरे एलिमेंट के अक्रॉस इंटीग्रेट कर दीजिए उसके लेंथ के अक्रॉस, ठीक है, तो पूरी पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। तो हमारा ये बायोट सेवर्ट लॉ का पार्ट वन यहाँ खत्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया हो, और आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अप्लाइड स्टडी पर बने रहिए। तो मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में, जो बायोट सेवर्ट लॉ का पार्ट टू होगा।